भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री विनय सहस्त्रबुद्धे जी, आदरणीय श्री रमेश विधूड़ी जी, आदरणीय श्री मोनिका अरोड़ा जी, प्रिय साथी अनूप जी, मेरे भाई विकास पांडे जी, हमारे यहाँ मंच के सामने उपस्थित तेजस्वी युवा बग्गा जी, रामेश्वर जी, सोनाली जी, प्रेरणा जी, जया की टीम और दिल्ली में जगह जगह से आए आप सभी प्रबुद्ध जन, आज का दिन 100 साल पहले मालाबार में जो भयानक नरसंहार हुआ उसको याद करने का दिन तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ आज का दिन ये संकल्प लेने का भी है कि दोबारा किसी गांधी को किसी खिलाफत के लिए चुप रहने का मौका हिंदू समाज कभी नहीं देगा। ये प्रदर्शनी मैं देख रहा था और मैं नमन करना चाहता हूं श्री नंद कुमार जी को, चरण स्पर्श करना चाहता हूं कि किस प्रकार से 100 साल पहले हुए इस नरसंहार को, जिसको साजिश के पूर्वक हमारे इतिहास से भुला दिया गया, जहां हत्यारों को महान बता दिया गया, एक के बाद एक सरकारों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा, फर्जी इतिहासकारों के द्वारा, सिस्टम के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि हम इसे भूल जाएं, लेकिन श्री नंद कुमार जी ने, अनूप जी ने और इन सभी साथियों ने मिलकर आज पूरे भारत को ये बता दिया और दोबारा याद दिला दिया कि मालाबार में आज से 100 साल पहले क्या हुआ था। जब मोनिका जी बोल रही थी तब 100 साल पहले की घटनाओं की और आज की घटनाओं की दोनों की तस्वीरें मेरे सामने आ रही थी। ये शब्द खिलाफत, कितनी बेशर्मी से यह शब्द बनाया गया होगा। तुर्की का कोई बादशाह अपनी कुर्सी से हटाया जाता है और भारत में कत्लेआम किया जाता है खलीफा का शासन स्थापित करने के लिए, और यहां बैठे बेशर्म लोग उसको स्वाधीनता संग्राम से जोड़ते हैं। लेकिन यह कैलिफेट, जिसको खिलाफत गलत तरीके से बोला गया, यह कैलिफेट, इस शब्द को समझना भी जरूरी है और यह भी याद रखना जरूरी है कि 100 साल बाद जब हम मालाबार नरसंहार के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं, अभी से लगभग 2-3 महीना पहले यहीं जामिया मिल्लिया इस्लामिया की दीवारों पर लिखा गया था कैलिफेट 2.0, यानी कि ना वो मानसिकता बदली है, ना वो इरादा बदला है, ना वो तरीके बदले हैं, ना उनकी वो भाषा बदली है। तो क्या हम केवल श्रद्धांजलि देंगे या सबक को भी याद रखेंगे? क्या हम यह संकल्प भी लेंगे? आज वहां पर वो दिया रखते हुए हमने जिसने भी नमन किया है, हम सबको ये संकल्प लेके जाना होगा कि ये खिलाफत कैलिफेट ये कहीं भी चल जाए इस दुनिया में, लेकिन भारत में इसकी दुकान में ताला लगा के छोड़ेंगे। और कोई भी ये जामिया मिल्लिया वाला, शाहीन बाग वाला, ये अलीगढ़ में नारे लगाने वाला या जेएनयू में नारे लगाने वाला कोई भी गद्दार अगर सुन रहा हो तो ये याद रखे कि 100 साल पहले की गलतियों को भारत अब दोहराने वाला नहीं है, दोहराने देंगे नहीं किसी को उन गलतियों को। ये प्रदर्शनी में देखिए वो गर्भवती महिलाओं के गर्भ को चीर के भ्रूण की हत्या करना, कत्लेआम करना, धर्म परिवर्तन कराना, जबरदस्ती, और कब से चला आ रहा है, टीपू सुल्तान ने कराया, पहले इसी क्षेत्र में कराया, उससे पहले हैदर अली ने कराया, उसके बाद ये कैलिफेट के नाम पे कराया गया। और सोचिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बोला कि ये भयानक नरसंहार है, ये कोई स्वाधीनता संग्राम नहीं है, ये कोई खिलाफत नहीं है किसी अंग्रेजों के खिलाफ, ये नरसंहार है, ये कत्लेआम है। उसके बावजूद वो नरसंहार केवल 100 साल पहले नहीं हुआ, जब जब हमारी इतिहास की किताबें लिखी गईं,
जब जब इसके बारे में झूठे लेख लिखे गए, जब जब इन कातिलों को, आतंकवादियों को, जिहादियों को और हत्यारों को स्वाधीनता सेनानी बताया गया, तब तब बार बार हिंदुओं का नरसंहार किया गया है। किताबों में किया गया, लेखकों में किया गया, इतिहास में किया गया, झूठ बेचा गया। और कितनी शर्म की बात है कि आज 100 साल बाद भी केरल की विधानसभा में बैठा हुआ स्पीकर इन हत्यारों की तुलना शहीद आजम भगत सिंह से करने की कोशिश करता है। वहां बैठी हुई कम्युनिस्ट सरकार और वहां बैठे हुए कांग्रेस के लोग आज भी अपने ही पूर्वजों की हत्या के ऊपर दो शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही मांग है ये, एक स्मृति में संग्रहालय बनना चाहिए, लेकिन एक संग्रहालय हमारी यहाँ की स्मृतियों में भी होना चाहिए, मानसिक स्मृति में। और जब नंद कुमार जी ने कहा कि वो लोग कहते हैं 100 साल पहले हुआ है, भूल जाओ, तो मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये हिंदू समाज है, हम तो 500 साल पहले तोड़े गए राम मंदिर को भी नहीं भूले थे, 100 साल पहले हुए नरसंहार को कैसे भूल जाएंगे। हम तो 450 साल पहले बदले गए प्रयागराज के नाम को भी नहीं भूले थे और वापस ठीक करके दिखाया है, ये तो 100 साल पहले का नरसंहार है, इसका सच तो दुनिया को बता के छोड़ेंगे। लेकिन ये संकल्प लेना होगा 100 साल बाद पुनः वही स्थिति भारत में खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, जो 1921 में हो रहा था वही 2021 में करने की कोशिश की जा रही है। सबसे ज्यादा ISIS के आतंकवादी अगर कहीं से जाते हैं तो केरल की जमीन से ट्रेनिंग लेने जाते हैं क्या? वहां की सरकारों की मर्जी के बगैर जाते हैं क्या? सबसे ज्यादा जिहाद की सोच अगर कहीं भारत में तैयार की जा रही है तो केरल के अंदर तैयार की जा रही है। दूसरा, कश्मीर बनाने की कोशिश की जा रही है। 1921 में जिस प्रकार का वातावरण राजनीतिक बनाया गया, आंदोलनों को खड़ा करने की कोशिश की गई धर्म के नाम पर, वैसे ही 2021 में दिल्ली में, बंबई में, यूपी में जगह जगह करने की कोशिशों को किया गया है। जैसे पहले से तैयारी करके नरसंहार किया गया, वैसे ही दिल्ली में कोशिश की गई थी। तो आज न केवल अपनी श्रद्धांजलि को अर्पण करें, नमन करें उन लोगों को जिन्होंने स्मृतियों को याद रखा है, बल्कि साथ ही साथ हम सब मिलकर ये संकल्प भी लें कि दोबारा किसी खलीफा के सपने देखने वाले को भारत में अपना धंधा करने नहीं देंगे। ये पुण्य भूमि भारत भूमि, यहाँ किसी खलीफा की, किसी खिलाफत की, किसी कट्टर विचारधारा की दुकान को चलने नहीं देंगे। एक बार पुनः नमन उन सभी लोगों को जिनके प्रयास से आज के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और एक बार जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत आभार, जय हिंद।